ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की और कहा कि लोग इस बार की होली अपने घरों पर ही मनाएं। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक किया और कहा अपने घर मनाएं होली। उन्होंने कहा आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है, मास्क का प्रयोग करें। उन्होंने कहा जब वे कांग्रेस में थे तब उन्होंने देखा था कि मुख्यमंत्री शिवराज जनता के बीच जाते थे, चाहे वे पद पर रहे हों या नहीं। कमलनाथ के पास खुद का हेलीकॉप्टर होने के बाद भी मंत्रालय में ही हमेशा बैठे रहते थे। बिजली के बढ़े दामों को लेकर उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कांग्रेसी एक उंगली हमारी तरफ उठाते हैं तो तीन उंगलियां उनके ऊपर जाती हैं। उन्होंने कहा कई बार कोयला खरीदने, शासकीय कर्मचारियों की वेतन और अन्य खर्चों के आधार पर दरें तय होती हैं। प्रद्युम्न ने शिवराज की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने भांजे भांजियों के लिए कई कार्य कर रहे हैं और इसका फल उनके परिवार को भविष्य में मिलेगा। निश्चित रूप से ये प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपील है ये बहुत सकारात्मक है, जनहित में है और हम को अपने स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, इस महामारी से बचने के लिए कोई दवाई से बड़ी दवाई है वो हमारा मास्क है। दूसरा निश्चित दूरी है और ये अगर पालन हमने कर पाया इस नियम का तो निश्चित रूप से हम ये अपने परिवार के, अपने शहर के, प्रदेशों के और देश के हित में काम करेंगे, जो हमारा कर्तव्य भी है। अगर महामारी तेजी के साथ फैली तो लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन होगा तो हमारा कारोबार चौपट होगा। आप नहीं चाहते हो कि हमारा कारोबार चौपट हो तो उससे पहले ही ये महामारी तेजी से ना फैले इसके लिए हमें मास्क लगाना अनिवार्य है। हमें त्यौहार होली का त्यौहार है, हमें निश्चित रूप से मनाना है। हम दूरभाष पे बात करें, शुभकामनाएं दें। जब हम रहेंगे तो अगली होली मिल पाएंगे, स्वयं रहेंगे हमारा मित्र रहेगा, तो जब हम रहेंगे नहीं तो होली अगली मिलेंगी कहाँ से। इसलिए हमको इस जो अपील है इसको हमें अपने ऊपर तत्काल प्रभाव से लागू करके अपना मास्क लगाएं और अपने घर पर होली खेलें। देखिए निश्चित रूप से मैं फिर आज कह रहा हूँ कि जब डेढ़ साल माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उन डेढ़ साल में वो कितनी बार दम हो गए, जब बाढ़ आई तो कितनी बार चंबल में गए देखने, चंबल के किनारे लोग गांव में नदी के प्रकोप के कारण लोगों में जो उस समय जरूरत थी तब नहीं गए, तब तो उनके पास हेलीकॉप्टर भी था। इसका मतलब जब जनता को जरूरत थी तब कमलनाथ जी नहीं गए, जब जनता की उनको जरूरत है तो वो दौड़े दौड़े दमो जा रहे हैं। परंतु माननीय शिवराज सिंह जी का जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी मैंने देखा कि वो हर घटना स्थल पर पहुंचने की कोशिश करते थे और लोगों की सहायता करते थे। जब वो विपक्ष में थे तब अगर किसानों को ओरे गिरे तो तत्काल खेत में पहुंच गए। नाइन टू फाइव जॉब, अरे फाइव टू नाइन जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। नाइन टू फाइव जॉब, अरे फाइव टू नाइन जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है।
ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है और पात्रता के आधार पर पाए बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC, हर पल आपके साथ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।